रायपुर में पंजाब की पहली महिला पूर्व मुख्यमंत्री रविंदर कौर भट्टल ने आईबीसी 24 से खास बातचीत की। उन्होंने पंजाब के हालात और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। रविंदर कौर भट्टल ने कहा कि आपके नेता हमारे प्रदर्शन को ड्रामा बताते हैं, अगर मनीष सिसोदिया ईमानदार होंगे तो बाहर आएंगे। कांग्रेस के 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री आरके भट्टल हमारे साथ हैं। मैम, अभी पंजाब की स्थिति को कैसे देखें? लगातार पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां पर कई ऐसे मुद्दे देखे जा रहे हैं जिसको लेकर कांग्रेस उस पर आरोप लगा रही है। देखिए, हमने बड़े महत्वपूर्ण 2 ऐसे मौके देखे हैं। एक था जिस वक्त टेररिज्म हमारे पंजाब में आया था, सरदार बेअंत सिंह थे उस वक्त, हमारी मिनिस्ट्री बनी थी 92 में, इस तरीके से हुई थी जो अब पंजाब में हो रहा है। तो हमने नहीं ऐसी सिचुएशन देखी थी इतने सालों में, हमारे राज भी रहे, कुछ और के भी रहे, लेकिन आज तो ये सिचुएशन क्यों बनी है? अभी क्यों बनी, कैसे बनी, किसने बनने दी, इसकी पूरी जिम्मेवारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है। मैं समझती हूँ कि एक नई पार्टी की ऐसी जो सरकार बनी है उसमें, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, उसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, मैच्योरिटी भी होनी चाहिए, उसमें सारी सरकार का, जिसमें ब्यूरोक्रेसी होती है, मुलाजिम होते हैं, सबका सहयोग और जनता का सहयोग। पलता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है सीबीआई मामले पर, आज पूरे देश भर में प्रदर्शन करने जा रही है, इसको कैसे देखें? जब कांग्रेस के किसी आदमी को सरकार झूठा पकड़ती है, कांग्रेस प्रदर्शन करती है, तब तो ये कहते हैं ड्रामा करते हैं। तो आप खुद पकड़े गए हैं तो आप क्यों प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? सच होगा तो बाहर आ जाएगा, इनको कोर्टों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ पंजाब के पूर्व सीएम आर के भट्टल, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो पंजाब में चल रही है उनके पास कोई अनुभव नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की है उस पर सच सामने आ जाएगा। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सिंह परिहार, आईबीसी 24 रायपुर।